पैलेस हुए 35 लीटर 40 लीटर वालिया भी मेरे को गावं हैगियां। वैसे गावं मेरे को जो जानवर है 40-50 लीटर वाले है, कोई बाहर की गां नहीं हैगी। इतों देसी गावं के बिचों अगे असी ब्रीड बनाई है, अल्लाह मियां ने सानू नवाजिया। असी अपनी नस्ल के बिचों नस्ल तैयार करते हैं, फिर वो अतमाद के नाल अगले दिने जरा वा MBBS डॉक्टर बनया वा। दूसरा मेरा बेटा जरा वा इंजीनियरिंग की मुकम्मल हो गई है, बेटी मेरी PhD करती पी है, वह भी आखिरी साल है। दो बेटे मेरे होर डॉक्टर बनते पे, माशाल्लाह वो सारे अखराजात मैं इतों पूरे किए हैं। हलाल की रोजी खानी चाहता वा, ये अच्छा कारोबार कोई नहीं। अगर ध्यान नहीं करना किसी तेन छड जाना, वो इस काम के बिल्कुल ना पवे। हुण जानवर अच्छे तरीके सेल होंगे आ, जानवर खुश होकर बंदे लेंदे आ, जदों ये डेयरी प्रॉफिट से जाती है ता ही लेंदे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं आपकी खिदमत में। आज हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, राणा साहब की हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। राणा साहब, काफ़ी सारे दोस्त थानू ऑलरेडी पहले ही जानते हैं, नवे दोस्तों एक दफ़ा अपना मुख्तसर तारुफ करवा दो। मेरा नाम राणा हफीज अहमद है, कौम राजपूत है जी, चक नंबर 561 का मैं रहिशी हाँ, EB ते जिला ते तहसील जी व्यारी ते अड्डा माछी वाल। ठीक हो गया माशाल्लाह। साहब कितने अर्थे उदों फार्मिंग कर रहे हो? मैं अपने घरेलू जानवर जो थोड़े जा सीगे, मेरे कोले कोई 4 जानवर थे, मैं 4 जानवरों को शुरू किया। पहला मैं कुछ 5-6 साल जड़े आ ना वो मझां दा करदा रहा, भी मझां दी तादाद वधांदा रहा। 5-6 सालों तो बाद मेरे जिहड़े ना जान इस पासे ख्याल आया कि जिहड़ियां ना गां मझ नालों बेहतर। अच्छा, मैं फिर मझां जिहड़ियां वा विचों कढ़णियां शुरू कर दित्तियां, ते गावां विचों जिहड़ियां ना 4 गावां देसी नस्ल दियां जिहड़ियां सीगियां रोई दी ते साहीवाल दियां दो। ठीक, मैं उहनां दे विचों उहनां दे अच्छी ब्रीड रखाण लग गया, ते अल्लाह मियां ने मैनूं उहदे विचों देना शुरू कर दित्ता। ये सारे जड़े इस टाइम जानवर खड़े है, ये सारे मेरे घर की ब्रीड हैगी है, कोई उहदे तो बाद मैं गां खरीदी कोई नहीं। ते जरूरत दे टाइम मैं गां जदों हुण तो तकरीबन 5 साल पहला तो मैं शुरू किया। 5 साल पहला मैं जानवर कोई सेल एडा नहीं सी करता, गां नहीं सी करता, मझ करता। ठीक हो गया। हुण जरूरत दे टाइम बच्चे पढ़ते हैगे, जानवर सेल करने पैंदे है जी, ते नाले साढ़े को कुछ जगह की कपैसिटी, कुछ हर बंदे दा अपने कारोबार दा तरीका हुंदा। असी उस हिसाब दे नाल जानवर हर साल जदों कोई बंदा पसंद करदा वा उहदी पसंद दा जानवर देईदा। असी इत्थों तीकर उहनूं कह दिंदे आ वी अपनी मर्जी दा पसंद करदा। सही हो, जदों असी जानवर जिहड़े सेल करने चाहुंदे आ कि जिन्नी सानूं जरूरत हुंदी असी उहदे मुताबिक जानवर सेल कर। ठीक हो गया माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत गल की है कि जिस दोस्त नूं जिस तरह का जानवर पसंद आए असीं उस तरह का सेल कर दें। तुहाडे नाल अगर कोई दोस्त भरा वीडियो देख के राबता करना चाहे तो एक दफा अपना राबता नंबर बोल दिओ। मेरा राबता नंबर है 0308-8741-005। मेरा राबता नंबर है जी, कोई बंदा राबता करना चाहे मेरे नाल राबता कर लेवे, असी उन्हें गां की वीडियो भी भेज देंगे, गां के मुतलक भी दस देवे। बहरहाल एक साडे है भी असी गां जदों कोई गबन का सौदा हो जाए तो उन्होंने उस तरह ही तो देनी हैगी है, जिहड़ी गां सूई हुई जा बंदा लैंदा उन्हें असी गां बच्चा नहीं देंगे, बच्चा नहीं देंगे। जे असी बच्चा देंगे तो फिर असी बच्चे बाहरों खरीदा, तो साडा कारोबार जिस तरीके असी करना चाहते हैं वो नहीं होएगा। ठीक, असी अपनी नस्ल के विचों नस्ल तैयार करते हैं, फिर वो अतमाद के नाल अगले दिने भी उन्होंने भी साढ़े ते अतमाद भार रहा। बहुत सारे दोस्त जोड़े आ मेरे को जानवर लैके गए आ, ये नहीं भी वह एक जानवर लै गए तो उन्होंने मुड़ के मेरा मेरे वाल देखा ही नहीं। ठीक, वो मेरे नाल राबता रहा वा, जिदे जिन्हें जानवर मेरे को सेल होए आ तकरीबन हर बंदे का मेरे नाल राबता रहा, जदों उन्हें जरूरत होंगी मेरे तो जानवर भी लैके जाता। ठीक, वो अच्छे जानवर होंगे तो दिल दोबारा करता, नहीं तो
अगला रोकदा जी नहीं यार उत्थे नहीं जा, साडी गल पसंद आऊगी इंशाल्लाह, साडी गल सच्ची होगी, ऐब वाला जानवर असी दसन तो बगैर नहीं देवांगे, जिदे विच ऐब होएगा ओदा उन्हां नूं पहलां दसांगे, ओदी कीमत उस हिसाब दी लावांगे। माशाल्लाह राणा साहब बड़ी खूबसूरत गल कीती है, जिंदाबाद, कि जिस तरह का जानवर होएगा उस तरह का उन्होंने दस के देंगे, कोई एरा फेरी कोई दो नंबरी नहीं, माशाल्लाह मजा आ गया। अच्छा राणा साहब, लोग कहते हैं डेयरी के लखां करोड़ां रुपये, ये किस तरह हासिल किया जा सकता है? गल है भी सब तो पहली गल यह है भी जेडे बंदे ने कारोबार करना उसका जेहन पहला ये बनाना चाहिए भी मैं हलाल की रोजी खानी है, ये बेहतरीन हलाल की रोजी। ठीक, असी ये अल्लाह ने सानू हलाल की रोजी बहुत कुछ दिता वा, मैं मेरे बच्चे सारे पढ़े, अगले मैं इंटरव्यू के भी जरा दसिया मेरा बच्चा एक जरा वा एम बी बी एस डॉक्टर बनया वा, वो मेरा बेटा जरा वा हूँ माशाल्लाह बहर आ जी, माशाल्लाह उन्होंने जॉब बहर मिल गई है, वो इतों अपने कोर्स सारे पूरे कर गया, टेस्ट उन्हें पास कर लाया। ठीक, दूसरा मेरा बेटा जरा वा इंजीनियरिंग मुकम्मल हो गई है, बेटी मेरी पी एच डी करती पी है, वह भी आखिरी साल है, दो बेटे मेरे होर डॉक्टर बनते पे, माशाल्लाह वो सारे अखराजात मैं इतों पूरे किए हैं, इन्हों जानवरों से मैंने अल्लाह ने दिता, ये जानवर मेरे चार पांच जानवरों से मेरे रब ने बनाए हैं, ये मुनाफा उदो ही होंदा वा इस जरा कारोबार है टाइम मंगता। ठीक, जिदे को टाइम हैगा वा हलाल की रोजी खानी चाहता वा ये अच्छा कारोबार कोई नहीं, अगर ध्यान नहीं करना किसी तेन छड जाना वो इस काम के बिल्कुल ना पवे, इस दे नाल इंटरस्ट होना चाहिए, ये बहना चाहिए, इन्हें ये जानदार चीज़ा वा, इन्हों की धुप छां भुख हर चीज़ का देखना पैंदा वा, अच्छी नस्ल कशी करानी चाहिए है। ठीक, अपने जानवरों की हुण मेरे जिहड़े जानवर तैयार होंदे पए जां हुण तो पहला होंदे पए सी मैं जिहड़े सेल भी कीते, मेरी कोई वैड़ जिहड़ी नवीं आती पई आ 30-35 लीटर तो घट नहीं, पहले सूए 35 लीटर 40 लीटर वालियां भी मेरे कोल गावां हैगियां, वैसे गावां मेरे को जो जानवर है 40-50 लीटर वाले है। माशाल्लाह राणा साहब बड़ी गल तुसीं कीती कि 40-50 लीटर बड़ा दुध हुंदा है। हाँ जी, वो भी जानवर हैगे आ, फिर सारे मेरे घर दे आ, इत्थों दी ब्रीड आ, ये मौसम दे नाल तैच आ, इत्थे ये नहीं हैगा भी बंदा कोई इन्हां नूं मौसम में बाहरों आई हुण गावां, कोई बाहर दी गां नहीं हैगी, इत्थों दीआं देसी गावां दे विच्चों अगे असीं ब्रीड बनाई आ, अल्लाह मियां ने सानूं नवाजिया, अल्लाह मियां ने सानूं इत्थे दित्ता, हलाल दी रोजी कमांदे पए आ, और बहुत अच्छे तरीके नाल कारोबार चलदा पिया वा। ठीक, इहदे विच असीं मुतमिन हां। आसान लफ्ज़ां च इह कहां लखां करोड़ां कमाए जा सकदे ने, लेकिन मेहनत, इस काम दे विच मेहनत करोगे ते बहुत कुछ हासिल हो सकदा है। हाँ जी, मेहनत करोगे अच्छी नस्ल तैयार करोगे दुध अच्छा होएगा, हुण जानवर अच्छे तरीके नाल सेल हुंदे आ, जानवर खुश होके बंदे लेंदे आ, जदों ये डेयरी प्रॉफिट च जांदी है तां ही लेंदे, जे डेयरी प्रॉफिट च ना जावे हुण कोई मसाइल आए हुए आ जिहड़े गवर्नमेंट की तरफों कि जो चीज़ां बाहरों बहुत महंगीयां हो गईयां, इत्थे दी जिहड़े कंपनियां हैगियां उह नहीं उस हिसाब नाल रेट नहीं दिंदियां पईयां दुध दा, दुध दा रेट अच्छा होना चाहिए जिहड़ा फार्मर पिछे ना जा, नहीं तो जिस तरह हम हालात जाते पे आ जी, ये गवर्नमेंट ने किसी ने इस पासे ध्यान ना किया, वैसे तो हालात हम हर बंदे दे इदा होए पे, कोई कारोबार भी है जी मुश्किल होया हो, इस तरह हम ये भी मुश्किल आई हुई, बारह अल्लाह बेहतर करेगा, फिर कुछ तो करना ही है जी, जे साडे अपने जानवर है असं उन्होंने संभालते पे, जे हूँ एक मिसाल असि कोई साढ़े 10 सेल हो जाएंगे अल्लाह मियाँ दिन बेहतर करेगा। बिल्कुल, हाँ जी, साढ़े को इस टाइम टोटल कितने जानवर मौजूद ने इस फार्म के अंदर, और इन्हों को टोटल कितनी एवरेज लै लियो कि जानवर जो तुम दस 35-40 लीटर, लेकिन टोटल फार्म का कितना दुध हो रहा है? मेरे जानवर जो हूँ ना जी दुध देंदे पे 26-27 जानवर दुध देंदे पे, एवरेज उन्होंने तकरीबन 30 लीटर प्लस आती पी है। ठीक, हाँ जी, तो दुध जो असं एंग्रोन देंदे पे हैं। अच्छा, रेट इन्हों कोई एडे ज्यादा अच्छे नहीं है,
कोशिश करते पे हाँ इस तरह ही सानू ये सब्ज बाग दिखाते पे आ कि होर 10 दिन ठहर जाओ अच्छा रेट आने वाला, अच्छा होर 10 दिन ठहर जाओ अच्छा अच्छा रेट आने राणा वाला। साहब मौजूदा की रेट चल रहा है? मौजूदा रेट जरा हूँ साढ़ा तकरीबन बेसिक रेट वो 114 रुपए 13 रुपए है जी, जेडे सारे लवाजमात पा के तकरीबन 120-121 रुपए चले जाते।